मुझे भी बाइक चलाना सिखाओ ना, फिर मैं बाइक चलाऊंगी और तुम मेरे पीछे बैठो। अच्छा क्या हुआ, तुम्हें डाउट है कि मैं बाइक नहीं चला सकती? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर तुम बाइक चलाओगी और मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा तो अच्छा लगूंगा क्या? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, थैंक यू। अरे यार जी मां, क्या? अरे आप फिक्र मत करो, मैं अभी घर आ रहा हूं। हाँ आ रहा हूं, आ रहा हूं। क्या हुआ? रिया, माँ का फोन था। मैं तुम्हें बाइक बाद में सिखाता हूँ ना, तुम पीछे बैठो, इस बार मुझे चलाना। बुआ क्या, बताओ तो सही। माँ का फोन था, वो बोल रही थी कि बुआ किडनैप हो गई है और पैसे भी मांगे हैं। तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, इनकी लुगाई हमा भौजाई। भैया रुक जाना, लेते चलो, बहुत बहुत बीमार है, जल्दी 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 चलो। अरे ये किसको तुम लोग कंबल में लपेट के ले जा रहे हो? अरे भैया सूपनखा का पुतला है, सूपनखा का जलाने ले जा रहे हैं। अरे सूपनखा का हम लोग कहाँ जलाते हैं? लो आज ऐसे जलाना शुरू किया है भैया, काहे से कि युद्ध के लिए यह जिम्मेदार थी। चलो हट, चल 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 भैया, चल 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 भैया, पे लेके आना, बहुत ही मुश्किल काम है। चल चल देखिए, बड़ी सीधी सादी बात है, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बुद्धि जो है ना वो सुन्न पड़ गई है। अब आप देखिए जो करना है इसमें, आपका महकमा आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखिए हमारी तहकीकात शुरू हो गई है और आसपास भी पूछताछ चालू है। वैसे सरला जी का कोई फोन वोन आया था? सुबह सुबह बात की थी बस, उसके बाद तो फोन किए जा रहे, वो फोन ही नहीं उठा रही। किस पे शक है आपको? फोन करना है। अबे रुमाल है तुम्हारे पास, रुमाल दो। ये लो। शक किस पर होगा भाई, गऊ जैसी है एकदम औरत, वो कहाँ, उसके कोई दुश्मन उसमें भी नहीं है ऐसे। एक मिनट। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, जो सरला अग्रवाल का किडनैपिंग केस आया है उसके बारे में कुछ बात करनी है। सरला अग्रवाल की किडनैपिंग के बारे में? हमें पता है कि वो किडनैपिंग किसने की है। अच्छा किसने करवाई है, आप कौन बोल रहे हैं? हम वो नहीं बता सकते क्योंकि हमें डर है कि वो किडनैपर हमारा भी किडनैप कर लेंगे। अरे तुम अपने बारे में तो बताओ, कहां से बोल रहे हो और तुम्हें इस केस के बारे में कैसे पता चला? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बता रहे हैं बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है, गुठलियों से नहीं। अच्छा बताइए किसने किडनैप किया है? नाम है शांति देवी। कुछ पता चला बेटा, है सरला को किसने गायब किया? नहीं अम्मा जी। कहा तुम तो हमारे सामने आंखें चार करके ऐसे देख रहे हो जैसे हमने अपहरण किया सरला का। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, आप अपनी बेटी का कैसे अपहरण कर सकते हैं? आप शांति सदन में बैठे हो क्या? हेलो हेलो, क्या हो गए? अरे यार वो इंस्पेक्टर यार वो हमारे घर पे बैठा है यार, नानी के घर पे, वो हम तो भूल ही गए थे यार, वो हमारे मामा का दोस्त है। अरे यार ये तो उल्टे ओले पड़ गए। उल्टे ओले का
चलो यार कहीं चलते, साला दिमाग जो, चलो कहीं पे चलो, चलो रामलीला देखने चलते हैं। हाँ चलो यार कहीं भी चलो, मैं पैसे तो देख के आओ बे। अरे तुम लोग ऑफिस छोड़ के कहाँ है? तनख्वाह कट जाएगी तो कटने दीजिए ना दादी जी, चाहे तनख्वाह कटती है कट जाए, चाहे हमारी जॉब जाती है चली जाए, लेकिन इस समय बुआ जी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हम जानते हैं हमारे ऊपर टारगेट का प्रेशर, और हमें 3 दिन में 100 फॉर्म्स भरने, और अगर हमने नहीं भरे तो हमारी सैलरी कट सकती है, इनफैक्ट हम दोनों की नौकरी भी जा सकती है। लेकिन कोई बात नहीं दादी जी, इस समय हमारी ज्यादा जरूरत हमारे परिवार वालों को, और इस समय अगर हम अपने परिवार के साथ खड़े नहीं रहे तो हमारी नौकरी किसी काम की नहीं, नौकरी तो आती जाती रहेगी ना दादी। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारी बुआ लापता है और हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, नहीं चाहिए हमें ऐसी नौकरी और ऐसे पैसे। रिया अपनी तनख्वाह का एक थेला भी तुम्हारे हाथ में नहीं रखेगी, चाहो तो हम कोरट के कागज पे लिख के देने को तैयार हैं। अगर बहू रिया ने तनख्वाह हमारे हाथ में नहीं दी ना, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, गुलाम। वारी सरला खूब चाल चली है अपनी अम्मा को हराने की, हम कहा जानते नहीं, शर की हार से बचने के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रच डाला ताकि हमारे हाथ में रिया की तनख्वाह ना आए। सरला हम तुम्हारी अम्मा है, हम ऐसे नहीं होने देंगे, रिया की तनख्वाह तो हमें चाहिए, अब तो कुछ भी कर ले। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे, अरे वाह वाह, हमें तो रोना आ रहा है। देखो नौकरी की फिक्र नहीं, अपनी बुआ से कितना प्यार करते हैं, अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं, हैं? परुका है कर्मण्य वाधिका रस्ते मा फलेशु कदाचन, है मतलब जिंदगी में कर्म करते जाओ, कर्म करना ही हमारा फर्ज है, और मैं तुम्हें फर्ज के रास्ते से बिल्कुल ना ही हटने दूंगी। हैं तुम जाओ, तुम अपना फॉर्म भरो, अपनी नौकरी करो, अरे सरला को पता चलेगा कि तुम दोनों को कितनी फिक्र थी तो कितनी खुश हो जाएगी, पर अगर उसे पता चला कि तुम लोग नौकरी ऐसे आधी छोड़ के आ गए, तनख्वाह कट गई, तो बड़ी दुखी हो जाएगी। और वो कहा है कि इस बार अटक फाइनल है। यहाँ बैठने का कुछ फायदा नहीं है, चलो सुबह जरा जरा फोन करो ना। क्या हो गया ना? अरे डॉक्टर नहीं, बस हमें तो सरला चाहिए, वो आ जाए ना। अरे अम्मा चलो अंदर, सरला आ जाएगी, तुम सुबह फोन लगाओ जरा। चलो बस ये चाहते हैं कि सरला आ जाए हमारे सामने, है देख ले उसको। अरे वो इंस्पेक्टर जो है उनको वादा करके गए कि ढूंढ लेगा, नाकाबंदी वगैरह सब कर दिए वो। क्या बुढ़िया मरने वाली है क्या? अरे बहुत सख्त जान है ये, कुछ नहीं होगा इसको, अटैक बटैक तो हमें असली लग रहा है। 50 लोगों को ना अटैक आ जाएगा इनकी वजह से, लेकिन इनको कुछ नहीं होने वाला है। हाँ एक सेकंड पापा, वो बुआ अपना फोन भी तो लेकर गई होंगी ना? उठा नहीं रही है फोन, बता तो रहा है इतनी देर से। मोबाइल लेकर गई ना अपना? हाँ मोबाइल तो हमेशा उनके पास ही रहता है ना। तो ठीक है ना पापा, बस हम पुलिस को उनका नंबर दे देते हैं, उस नंबर को ट्रेस करेंगे, उसके बाद वो बता देंगे कि बुआ की लोकेशन कहाँ है। वो फोन कंपनी वाले पता कर सकते हैं, हैं? जी पुलिस वालों को नंबर देना है। जी, जी बिल्कुल आते हैं जरा। रघुआ, ओ रघुआ। अरे अम्मा, बाहर जो भीड़ इकट्ठा हुई है दामाद बाबू, उसका कछु करोगे? ये पूरा दिन खड़े रहेंगे सभीदार। हम क्या कह रहे हैं, वो सल्ला है ना, उसका एक बड़ा बड़ा फोटो बना के ला। हाँ हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारे बाजू में ही डट्टी है। सब जरा देखो वो फोटो, अगर कोई हो ना तो उसको कहाँ से बड़ा करवाएंगे? ये ले ये बना, इसमें जरा ठीक ठाक लग रही है, हैं? बड़ा वाला बना ना, जितना बड़ा बन सके बनवा के ले। दामाद बाबू अभी तक इधर ही है, नहीं जा रहे हैं। क्या
राजीव कहाँ है? भैया बाहर का इंतजाम देख रहे हैं। अरे उसे बाहर कोई भेजा? धूप में उसका दिमाग खराब हो गया और वो दुर्जीव बन गया तो क्या करेंगे? अंदर लाओ उसे। हाँ हाँ ठीक है, लेके आता हूँ। तो फुलझड़ी से बात हुई? आ रही का? अरे मम्मी कब से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ मगर नहीं लग रहा है। लेकिन उसका फोन अगर अभी नहीं लगा ना तो मैं सीधा जाऊंगा उसे यहाँ पर उठा के ले आऊंगा। अब उसे ऐसे ही आने दो, यही मिलने दो इसी दरबार में सुजीव को। हाँ जो वो फोन नंबर है पुलिस वाले को दिए वो पता लगा रहे, आ जाएगी वापस। ठीक है तुम देख 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 हमारी तरफ देख, गंगा मैया पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगी तुम्हारी अम्मा। बस ये मम्मी भी ना बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, बाय गॉड्स हमें यहाँ लटका दिया है, हमारा टाइम्स खराब हो रहा है। देख 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 कि तुम तो ना बदतर, हमारी सांसें रुक जाती है, सरला का फोन है का? हमरा तो नहीं बज रहा। नहीं नानी वो पार्लर से फोन है, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं ना, हम जब तक नहीं जाते तो शुरू ही नहीं होता पार्लर। अरे तो फोन करके मना कर दो ना कि नहीं आ रही आप, बड़ी बड़ी तो तुम खुद कर दो ना, चुप रहो समझी। दादी जी हम बुआ जी के नाम का पैम्फलेट छपा दे। का छपा दे? जी वो एक पर्चा होता है ना। हाँ, पैम्फलेट। हाँ, उसमें एक बुआ जी की फोटो लगी होगी और हम नीचे ये लिखेंगे कि उनका अपहरण हो गया, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाए। फोन नंबर भी डाल देंगे हम लोग का, ये बड़ा सही है। देखो कैसे अच्छा दिमाग चलता है बहुरिया का। नमिता अपना लैपटॉप ले आओ ना, हम पैम्फलेट डिजाइन कर देते हैं। भाभी मेरा लैपटॉप खराब हो गया, वायरस का कुछ प्रॉब्लम है। कब? तो पेपर दे मैं बना दूं। निम्मी एक काम करना, वो सरला और सूजी दोनों नाम लिखना, काहे कि अंग्रेज को पता नहीं है ना मम्मी जी का असली नाम, तो सूजी देख के समझ जाएगा। मेरी अंग्रेज को समझ देखी का जरूरत है? का जरूरत बोलती रहती है दीदी। हाँ व्यूम बोलो। अरे परी मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ मगर तुम फोन उठा ही नहीं रही हो, क्या हुआ? अरे वो क्या है ना, हम थोड़ा सा बिजी है, आज पार्लर में बहुत भीड़ है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम हमें होटल में लेके जा रहे थे, कब लेके जा रहे हो? तुम पार्लर में हो क्या? नहीं मेंटल हॉस्पिटल में। क्या मेंटल हॉस्पिटल में? मेंटल हॉस्पिटल में क्यों? हाँ वो हमारे कजिन के कजिन की सगी मम्मी ना खो गई है तो उन्हें ढूंढने आए हैं। अच्छा अच्छा ओके, तो मिल गई तुम्हारी कजन की मम्मी? हाँ मिल गई है। तुम वो सब छोड़ो ना व्योम, बताओ ना होटल कब चल रहे हैं? नहीं परी मगर आज पॉसिबल नहीं है, आज नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है? आजकल व्योम तुम हमारे साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हो। अच्छा मैं रूड बिहेव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? अरे मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि भैया फ्रांस से आ गए हैं। अब तुम्हें तो भैया का पता ही है, आज फ्रांस कल इंडिया परसों लंदन, ये सब तो यूं ही ऐसे चलता रहता है, तुम्हें तो पता ही है ना। अरे पापा तो उन्होंने तुम्हें रोक के थोड़ी ना रखा हुआ है। हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो, वो क्या है ना घर में आज बहुत बड़ा फंक्शन है, भैया ने माता की चौकी रखी है, बहुत चढ़ावा देना है और सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ेगा, बहुत दान देना है, बहुत दान देना है। तुम्हें पता है मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं व्योम हम नहीं समझ रहे। अरे कम ऑन परी, अरे सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। अरे तुम्हें तो मेरा घर पता है ना, गोविंदपुरम बंगलो नंबर 22। अरे यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं निकल सकता, और मैं क्या फैमिली का कोई मेंबर बाहर नहीं निकल सकता, भीड़ ने गंदे तरीके से पूरे घर को घेर के रखा हुआ है। अच्छा अगर हम अच्छा परी भैया बुला रहे हैं, अभी मुझे जाना पड़ेगा। हाँ भैया आता हूँ भैया, परी बाय बाय ओके। हेलो व्योम, अच्छा आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा व्योम, आज तो आई मीट तुम्हारे सुजीव भैया, बट एक ही प्रॉब्लम है, हम यहाँ से निकले कैसे? गॉड्स बस बस यही रुको। हे भगवान ये तो फोटो आ गई है सरला जी की, अरे कहाँ पता राम जाने
नहीं देखो, सरला जी तो हमें ही घूर रही है, हमें तो बहुत डर लग रहा है। फोटू है लेकिन हमको तो इतना डर लग रहा है जैसे हमें को दबोच लेगी। अरे बाप रे, लेकिन हुआ काम। अरे भैया डर क्यों रही हो? मैं ही हूँ। मम्मी कहाँ जा कर रही हो तुम? ओ हम वो क्या है ना, क्राउड्स में ना हमें कुछ होने लगता है, तो सोचा कोई एनर्जी ड्रिंक्स लाए अपने लिए। अब यहाँ तो किसी को परेशान नहीं कर सकते ना। तो मैं हूँ ना, मैं लेकर आता हूँ, तुम अंदर जाके बैठो। नहीं नहीं भैया, आपको क्यों परेशान करना, आपके पास वैसे भी मम्मी है, हम खुद ही ले आते हैं, आपने इनको पकड़ रखा है ना। अरे अरे संभाल के, मम्मी टेढ़ी हो रही है। ये लो, इनका तो फोटो भी सीधा नहीं रह सकता। भैया अब जल्दी जाके ना मम्मी को नानी की गोद में दे दो, वरना उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। मम्मी प्लीज गॉड्स, हमारी मम्मी को ना जल्दी वापस भेज दो। माय नोशन मम्मी, माय क्वीट मम्मी, प्लीज कम सून बैक, जल्दी आ जाओ। भैया जल्दी ले जाओ वरना हम रो पड़ेंगे। अरे इनकी नौटंकी बाजी है, कि जो भी हो, अरे सरला थी तो हमारी समधनी ना। लाल टमाटर जैसा काय दिख रहा है शिवम। अच्छा लोका छुनाई आ तो गई हमारे पास, तो हमसे जितना भी दूर जाने की कोशिश करे ना, हम तुम्हें हमारे पास ही रहेंगे, डटी रहना ही यहाँ। इधर दादी भाभी की कॉन्फ्रेंस चल रही और वहाँ परिधि मौका देखकर ही उड़ गई। जैसे ही भैया अंदर आ रहे थे ना, तो परिधि चली गई बाहर। क्या बात कर रही है, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में चलता क्या, क्या करती है, कहाँ जाती है, कुछ समझ नहीं आता। माँ आराम मिला थोड़ा, पड़ गई ठंड तुमको? तुझे में ठंडक पड़ गई, ऐसा लग रहा है कि हमारी सलाह हमारे पास ही है। उसे तो भजन गाओ। अच्छा कौन सा वाला गाए? बोलो तेरा वाली माता की जय, बोलो दुर्गा मात की जय। परिवारजनों और हमारे बाहर के पड़ोसियों, अब हम तन मन धन से हमारे जीजी की आने की प्रार्थना करेंगे दुर्गा मां। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।